विपुल पांचाल और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। शहर में सुर्खियां बनी हुई है कि नगर पालिका जो है कांग्रेस की है, उसके बाद भी कांग्रेस के पार्षद को धरने पर बैठना पड़ा। आप मेरे ठीक पीछे देखिए कार्यालय नगर परिषद नगर पालिका झाबुआ, और वो जो पार्षद लोग हैं वो धरने पे बैठे हैं, है ना। उनकी ये मांग है कि शहर में जो जियो कंपनी की केबल डाली जा रही है उसमें सड़क को खोदा जा रहा है, लेकिन फिर से सड़क को भरा नहीं जाता है। धूल के अंबार पूरे शहर में लगे हैं। सीएमए से भी जब उन्होंने बात करी तो उन्हें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। उसी सिलसिले में हम बात करते हैं यहाँ पर भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है दौलत जी भावसार। दौलत जी, आप वहाँ देखिए कि कांग्रेस के पार्षद धरने पे हैं, आपको क्या लगता है कि नगर पालिका काम नहीं कर रही और कांग्रेस के पार्षद को क्यों धरने पे बैठना पड़ा? ये जनमत का अपमान है। सत्ता पक्ष के यदि जनप्रतिनिधि अपने सेनापति के खिलाफ धरना दें तो समझ लो नगर पालिका की क्या स्थिति है। जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है, उसी के कारण इनको ये बैठना पड़ा है। और वास्तव में नगर के हाल बेहाल है। चहुं तरफ अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है, सड़कें खोद दी गई है, पेयजल व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है, सफाई पे कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है, और ऐसे कई काम है। और मुझे तो ये लगता है कि जियो जो नेटवर्किंग लाइन डाल रहा है, ये कमीशन की भी लड़ाई हो सकती है। अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों में कमीशन की भी लड़ाई हो सकती है। धरने के कई कारण होते हैं, और रूलिंग पार्टी के लोगों को धरना देना मतलब उसके कई मायने और कई अर्थ निकलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये तो मनु डोडियार का फेल्योर है, और उनके ही पार्षद उनके ही खिलाफ और नगर पालिका के खिलाफ बैठते हैं। भले ही वो शहर कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे हैं अपनी परिषद को बचाने के लिए कि ये नगर पालिका के खिलाफ धरना नहीं है, जियो के ठेकेदार के खिलाफ धरना है, तो जियो का ठेकेदार किसके निर्देश पर काम कर रहा है नगर में? नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के बिना उसको ठेका ही नहीं मिलता, उसको स्वीकृति नहीं मिलती, वो काम ही नहीं करता। इसलिए ये कहना वाजिब नहीं है सर कांग्रेस अध्यक्ष का कि ये नगर पालिका के प्रशासन और परिषद के खिलाफ धरना नहीं है, ये उन्हीं के खिलाफ है। और ये कांग्रेस की अंदर की लड़ाई सड़कों पर देखी जा रही है, झाबुआ से लगाकर भोपाल तक, भोपाल से लगाकर दिल्ली तक। दौलत जी, बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के लोग तो धरना दे रहे हैं, लेकिन ये तो सब विपक्ष में रह के भाजपा को करना चाहिए, लेकिन भाजपा कहीं इर्द गिर्द नजर ही नहीं आ रही। देखिए, कभी कभी क्या होता है, मौन रह के भी मजे लिए जाते हैं, और भाजपा मौन है। मतलब रुकिए, आप मजे लेने के लिए हैं, जनता की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं? मौन रह के इसलिए मजे लिए जाते हैं कि जब आपस में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि लड़ रहे हो तो विपक्ष चुप रह के अपनी बात रखेगा? पहले इनको थक लें दो, फिर हम आवाज़ बुलंद करेंगे, हम तो सीधी कार्रवाई करेंगे। दिन भी सुना तब तक जनता परेशान होती रहेगी। जनता परेशान होगी तो किसके कर्मों से परेशान हो रही है? भाजपा के कर्मों से थोड़ी नहीं हो रही, कांग्रेस की परिषद है, जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया है जवाहर नगर में, उसके कारण जनता परेशान हो रही है। लेकिन विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका होती है। विपक्ष की भूमिका है तो विपक्ष की भूमिका समय पर हम अदा करेंगे। तो ये थे दौलत जी भावसार, जो कह रहे थे कि कांग्रेस को जनाधार दिया है इस शहर के लोगों ने, और जो भारतीय जनता पार्टी है जिसको विपक्ष की भूमिका निभानी थी वह इंतजार कर रही है, वह मजे लेगी। मतलब इस तरह के वर्ड भी कहीं समझ में नहीं आते कि जनता जो है उसकी समस्या को लेकर विपक्ष को भी आगे आना चाहिए, लेकिन वो तो कह रही है कि कांग्रेस आपस में लड़ाए तो यह कमीशन का खेल हो सकता है, कि यह कहीं ना कहीं झगड़ा कमीशन का है। इसलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो धरने पे बैठे हैं उनसे, जो पार्षद हैं रशीद कुरैसी, बबलू कटारा। रशीद भाई, अभी आप धरने पे बैठे हो, आपका मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दे ये है, बस जनता हित का मामले है। वो अगर जनता अगर शहर की परेशान नहीं हो तो हम उड़ जाता है, जनता हमको बोलती है इसलिए हम बैठे हैं, और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सीएमए साहब से आपने बात करी, क्या कहना? सीएमए साहब फोन ही नहीं उठा रहे ना, फोन ही नहीं उठा रहे। हम पहले पिछली बार लोकसभा पहले भी हमने उनको चुनाव पहले बोला था कि चुनाव बाद ये काम कराना, नहीं सुनवाई नहीं, और पहुंचाते हैं काम बंद करते हैं और वापस वो काम चालू कर देते हैं। झाबुआ नगर के जो सीएमओ हैं वो पार्षद के भी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जनता का क्या हाल होगा। पार्षद बबलू कटारा भी है। बबलू भाई, आपको यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा, मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण है हमारा जो झाबुआ है, मेरा झाबुआ, हमारा झाबुआ पूरी चारों तरफ से खोद दिया गया है केबल डालने के उससे,
और ना उससे ठीक से पेक किया जा रहा है, ना हमें कुछ सुनवाई हो रही है हमारी, इसलिए आज हमको बैठना पड़ा यहाँ पर। सीएम साहब आप लोगों की बात नहीं सुन रहा, आप कब तक यहाँ धरने पे? अभी उनके नॉलेज में है या धरना चल रहा है अभी तक ना कुछ खबर आई है ना कुछ बात की है, जब तक हमको संतोषजनक कुछ नहीं मिलता है तब तक हम बैठे रहेंगे। हमारे साथ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गौरव सक्सेना जी। गौरव जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं दौलत जी भावसार, उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कमीशन का खेल है, कमीशन के झगड़े हैं और कांग्रेस को यह सब मतलब पहले से ही लोगों की जो जन समस्या है उनका निदान करना था और हम लोग जो हैं वो मजे ले रहे हैं, इनके इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहें? 20 साल आज से 20 साल पूर्व तक भाजपा की परिषद रही, कमीशन के मजे इन्होंने लिए हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कमीशन का खेल है। बाकी एक जनहित का मुद्दा है, नगरपालिका परिषद पूर्ण रूप से साथ में है, गलती संपूर्ण रूप से ठेकेदार की है जो ठेकेदार अपनी मनमानी से नियम विरुद्ध कार्य कर रहा है और ये धरना उसके लिए। तो आपने सुना यह जो धरना है वह नियम के विरुद्ध कार्य करने पर है, भाजपा अपनी तरह से आरोप लगा रही है, कांग्रेस के लोग अपनी तरह से बात को जवाबदारी लेने से हट रहे हैं, टाल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल फिर यह खड़ा होता है कि कांग्रेस की परिषद, कांग्रेस की सरकार में आखिर कांग्रेस के पार्षद को धरना देना पड़ रहा है, तो जनता का क्या हाल होगा? आप देखते रहिए।